हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट डिफिनीसन हैं इस वीडियो में मैं सारे कवर करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें ताकि आपको नंबर सिस्टम से जुड़े जितने भी प्रॉब्लम हो वो इस वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? अ नंबर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस सिंबल्स विच आर कॉल्ड डिजिट। नंबर सिस्टम में जैसे कि जितना भी मेरे पास नंबर है, वन हो, टू हो, या तो वो पॉजिटिव में हो, या तो नेगेटिव में हो, या तो रेशनल में हो, या तो इरेशनल में हो, यानी कि नंबर सिस्टम वैसा सिस्टम है जिसके पास बहुत सारे सिंबल्स का कलेक्शन है। वो सम हो सकता है, सम नंबर हो सकता है, या विषम संख्या हो सकता है, या प्राइम नंबर हो सकता है। नंबर सिस्टम सभी को कहते हैं। जैसे कि अगर डेसिमल, बाइनरी, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी का कलेक्शन एक नंबर सिस्टम कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसी के बारे में कि कितने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम में पहला है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम विच हैज़ अ बेस ऑफ टू। इट मीन्स दैट इट हैज़ ओनली टू डिफरेंट सिंबल्स दैट मेक्स अप इट्स नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में यहाँ बाइनरी से ही पता चल रहा है। बाई का मतलब दो होता है। दो यानी क्या क्या? दो, जीरो और वन। जीरो और वन से जो संख्या बना हो उसे बाइनरी नंबर सिस्टम बोलेंगे। इसमें सिर्फ जीरो और वन का प्रयोग होता है तो वो बाइनरी सिस्टम कहलाता है। ये बाइनरी सिस्टम कंप्यूटर में यूज़ होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि दशमलव प्रणाली संख्या। The number system that we follow is called as decimal number system, where the base is 10. वैसा number system जिसे हम follow करते हैं जिसका base 10 होता है, और वह base 10 10 different symbols को दर्शाता है। वो कौन कौन सा है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9. तो decimal number system में कोई भी संख्या जो दशमलव में हो, यानी कि अगर हम 1/10 लिखते हैं जिसका बेस 10 हो जाएगा, बेस 10 होगा तो यानी कि मतलब उसका क्या हो जाएगा, 0.1। अगर 1/10 लिखते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0.1, और अगर 9/10 लिखते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0.9। तो ये जितने भी डेसिमल, अगर 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, ये सारे डेसिमल नंबर सिस्टम में आएंगे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को कितने तरीके से क्लासिफाई किया गया है उस पर हम नज़र डालते हैं। तो ये पहला है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वैसे संख्या हैं जो कि रेशनल और इरेशनल दोनों को इंक्लूड करते हैं। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में पॉजिटिव, निगेटिव, छोटा या बड़ा, या होल नंबर कुछ भी आ सकते हैं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर छोड़कर। रियल नंबर कहने का मतलब ही है जितने भी वास्तविक संख्या होंगे वो सब रियल नंबर में आएंगे, चाहे वो रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, या कुछ भी हो। सिर्फ अंडर रूट में निगेटिव हो जाए, यानी कि अंडर रूट माइनस फाइव अगर लिख देते हैं तो ये रूट के अंदर माइनस, ये इमेजिनरी संख्या हो जाता है। तो इस तरह के संख्या को छोड़कर बाकी सारे संख्या रियल नंबर के कैटेगरी में आएंगे। जैसे एग्जांपल, 1 भी हो सकता है, 13.79 भी हो सकता है। डेसिमल वाले भी संख्या रियल नंबर में आएंगे, और निगेटिव वाले भी संख्या रियल नंबर में आएंगे, फ्रैक्शन वाले भी संख्या रियल नंबर में आएंगे, सिर्फ इमेजिनरी संख्या रियल नंबर में नहीं आएंगे। अगला है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जो ए बाई बी के फॉर्म में होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर, दीज आर द नंबर्स विच कैन बी
represented in the form of a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0. Rational numbers are either terminating or recurring in nature. तो rational numbers वैसे number होते हैं जिनको हम a by b के form में या तो p by q के form में हम express कर सकते हैं, उसको दर्शा सकते हैं. और जहाँ a और b दोनों integer होंगे तो b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा या q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा. अगर q 0 के बराबर हो जाए या b 0 के बराबर हो जाए तो वो संख्या इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इसीलिए बेस में 0 नहीं होगा. अगर रेशनल नंबर की बात करें तो वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या रेकरिंग भी हो सकता है. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिस संख्या का अंत हो जाए, मतलब वो संख्या का टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है जिसका किनारा किनारा लग जाए, टर्मिनल हो जाए. जैसे कि 1.25, अगर कोई संख्या काटते हैं, जैसे 20 से हम डिवाइड दे रहे हैं 4 में, तो 4 से 5 से कट जाएगा 20. अगर पॉइंट में भी कट जाता है, जैसे 1.25 इंटू 4 करते हैं तो वो संख्या 5 होगा, तो 1/4 भी करेंगे तो वो भी संख्या कट जाएगा. तो इस तरह के संख्या रेशनल नंबर में आएंगे जिसका टर्मिनेटिंग हो जाए या रेकरिंग हो जाए या रिपीटिंग इन नेचर हो जाए. वन पॉइंट, जैसे कोई संख्या अगर पॉइंट में टूट रहा है और 1.333 रिपीटिंग हो रहा है, यानी कि 3 का रेकरिंग हो रहा है, तो वैसे भी संख्या भी रेशनल नंबर के कैटेगरी में आएंगे. रेशनल नंबर के एग्जांपल हो सकते हैं -1/2, 3/4, 7/12, 8, -6, 1/7 या 2/9. इस तरह के सारे संख्या रेशनल नंबर हो सकते हैं. जैसे -1/2 माइनस हो सकते हैं या प्लस हो सकते हैं. और -1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5. 0.5 का मतलब ये संख्या पूरी तरह से कट गया, चाहे वो डेसिमल में हो या तो या बिना डेसिमल में हो, वो संख्या कट जाना चाहिए. तो ये संख्या 0.5 हो गया, 0.5 का मतलब वो टर्मिनेटिंग हो गया संख्या. 3/4 ये भी टर्मिनेटिंग में आ जाएगा. 7/12 ये आ जाएगा रेकरिंग में. इस तरह के संख्या को आप तोड़िएगा डेसिमल में तो ये एक पॉइंट के बाद रिपीटिंग होगा, वो संख्या बार बार आएगा, उस तरह की संख्या को रेकरिंग कहते हैं. और सिंपल 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8/1 लिख सकते हैं, यानी कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये सारे संख्या रेशनल नंबर के अंतर्गत आएंगे. अब आगे बात करते हैं इरेशनल नंबर का. तो रेशनल नंबर में जो जो संख्या आ सकते हैं उसके अलावा सारे संख्या इरेशनल नंबर होंगे. जैसे कि दीज आर द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए बाई बी एंड वेयर बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. इरेशनल नंबर्स आर आइदर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इन नेचर. इरेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग था और रेकरिंग इन नेचर था और उसको ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, उसी तरह से इरेशनल नंबर है तो उसको ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और ना ही वो नॉन रिकरिंग होगा नेचर में. जैसे कि अगर कोई संख्या हम √3 का वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ये 1.732 और भी आएगा. जो नंबर आएगा वो जैसे 7 है, 7 के बाद 3 आ जा रहा है, 3 के बाद 2 आ जा रहा है, 2 के बाद कुछ और संख्या आ जाएगा, उसके बाद कुछ और संख्या आ जाएगा, और ये पॉइंट ख़त्म भी नहीं होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा. 1.25 के बाद अगर कोई संख्या कट जाता है तो वो रेशनल नंबर में हो जाएगा, लेकिन वो संख्या ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही कट रहा है, तो वैसे संख्या इरेशनल नंबर में आ जाएंगे जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हैं. अब देखिए टर्मिनेटिंग नंबर आ गया. टर्मिनेटिंग नंबर की बात करें तो टर्मिनेटिंग नंबर हम पहले भी बता चुके हैं, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं. टर्मिनेटिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टॉप आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स. टर्मिनेटिंग नंबर मैंने कहा था कि वैसे संख्या जो एक निश्चित डिजिट के बाद स्टॉप हो जाए, वो आगे उसका
स्टॉप हो जाए, आगे वो नहीं, आगे वो ख़त्म हो जाए, यानी कि 0.5, 0.5 के बाद वो संख्या आगे नहीं हो, 0.75 स्टॉप हो जाए, 7.5 के बाद स्टॉप, और 0.25 के बाद वो संख्या आगे नहीं हो, तो वैसे संख्या टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। जिस जो एक संख्या के बाद स्टॉप हो जाते हैं वैसे संख्या टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग संख्या यानी कि वैसे संख्या जो एक पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं होते हैं, वो या तो रिपीट करते हैं या तो रिपीट नहीं भी हो सकते हैं, वैसे संख्या टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर द नंबर्स विच डोंट स्टॉप आफ्टर द डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर के बाद ना ही वो स्टॉप होंगे, उस तरह के संख्या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए रेकरिंग नंबर्स की बात करें तो मैंने पहले भी बता चुका है, रेकरिंग नंबर या तो रिपीटिंग नंबर, वैसे द पार्ट ऑफ द नंबर्स विच कीप्स ऑन रेकरिंग अगेन एंड अगेन इज टर्म्ड एज रेकरिंग नंबर्स, और जनरली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आर क्लासिफाइज एज रेकरिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को जनरली हम लोग रेकरिंग नंबर्स में क्लासिफाइड करते हैं। द पार्ट्स ऑफ द नंबर्स विच कीप्स ऑन रेकरिंग अगेन एंड अगेन, यानी कि मतलब वैसे संख्या का पार्ट्स है ये जो कि बार बार रिपीट होता है, एक ही संख्या, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऊपर में 0.3 के बाद 333 रिपीट हो रहा था, वैसे संख्या रेकरिंग नंबर्स में आएंगे और नॉन टर्मिनेटिंग में भी आ सकते हैं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो संख्या दशमलव के बाद नहीं ख़त्म हो, यानी कि वो संख्या अगर बार बार रिपीट हो तो वो रेकरिंग नंबर हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो जाएगा। अगर नॉन रेकरिंग की बात करें तो नॉन रेकरिंग नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डोंट कीप ऑन रेकरिंग अगेन एंड अगेन। वे नॉन रेकरिंग, अगर रेकरिंग संख्या रिपीट करता है तो नॉन रेकरिंग क्या हो जाएगा, जो नॉन रिपीट हो, जो एक दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो, वैसे संख्या नॉन रेकरिंग नंबर्स कहलाएंगे। अब हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, उन्हें जान लेते हैं। पहला नेचुरल नंबर्स, दूसरा होल नंबर्स, तीसरा इंटीजर्स, चौथा इवन नंबर्स, पाँचवा ऑड नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हम जितने भी नंबर्स काउंट के रूप में यूज़ लाते हैं और वो सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर जो हम लोग काउंट करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर में आते हैं, सारे प्राकृतिक संख्या में आते हैं। अगर होल नंबर की बात करें तो ये भी होल नंबर नेचुरल नंबर ही है, सिर्फ इसमें जीरो को ऐड कर दीजिए तो ये होल नंबर कहला जाता है। इट इज़ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को आप अगर इंक्लूड कर लीजिएगा नेचुरल नंबर में तो ये होल नंबर हो जाएगा। अगर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर इज़ द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स अलॉन्ग विथ निगेटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होता है, और नेचुरल नंबर को इंक्लूड करके और जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो होल नंबर कहलाता है। यानी कि नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर रहे हैं यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, अगर निगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो सारे संख्या इंटीजर्स कहलाएंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, जितने भी सारे निगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर्स। इवन नंबर्स की बात करें तो आप सभी जानते होंगे इवन नंबर्स कि सेट ऑफ नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू, वैसे संख्या जो दो से आसानी से कट जाए वो सारे संख्या इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे जितने भी दो का फैक्टर हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, जितने भी संख्या आएंगे जो दो से डिविजिबल हो वो सारे संख्या इवन नंबर्स कहलाएंगे। लास्ट है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर की बात करें तो वो सारे संख्या जो दो से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या रेकरिंग हो सकते हैं, अगर दो से डिविजिबल नहीं हो रहा है
इसका मतलब वो पॉइंट में आ जाएगा या तो रेकरिंग हो जाएगा। तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरह के सारे संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे ऑड नंबर के कैटेगरी में आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके सामने लाता हूँ। तो फिर मिलते हैं एक मज़ेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।